विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही झुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। विकास के मोर्चे पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। कोरोना के कारण थोड़ी गति विगत एक साल में मंद हुई है, मगर मैं मानता हूं कि जितने भी सुझाव ट्राइबल जनप्रतिनिधि की ओर से, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की ओर से, छत्तीसगढ़ के सांसदों की ओर से मिले हैं, वो सभी पर कार्यवाही चालू है। तो ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना, दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो घटना हुई है इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उसको देश कभी भूला नहीं सकता। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे।